हरियाणा की साहसी महिला को सलाम, प्रेग्नेंट होते हुए भी दर्द में दी यूपीएससी परीक्षा और बन गई कमिश्नर। आइए जानते हैं इस साहसी महिला के बारे में, लेकिन इससे पहले महिला की सफलता के लिए एक लाइक तो बनता ही है, कुछ करने का जुनून हो तो वाकई सफलता आपके कदम चूमती है। आज भी ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से कई बार सफलता के मुकाम हासिल किए हैं। आज ऐसी ही एक कमाल की महिला ऑफिसर की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इनका नाम है पूनम, ये हरियाणा की रहने वाली है। पूनम आज अनेकों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं। पूनम ने कई बार यूपीएससी परीक्षा को पास किया, इतना ही नहीं पूनम यूपीएससी के साथ साथ कई अन्य सरकारी परीक्षाओं को भी पास कर चुकी हैं। फिलहाल वो एक आईआरएस अफसर के तौर पर काम कर रही हैं। पूनम के लिए उनका यूपीएससी का सफर बेहद मुश्किल था। जब पूनम ने इस परीक्षा को पास करने के लिए फैसला किया तो उन्होंने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। 2007 में पूनम ने असीम दहिया से शादी भी रचा ली। उसके पति ने भी उनका इस सफर में बखूबी साथ निभाया। 28 वर्ष की उम्र में पूनम ने पहला प्रयास किया। उस वक्त यूपीएससी की आयु सीमा 30 वर्ष हुआ करती थी। पूनम ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी को पास कर लिया, लेकिन उनकी रैंक खास नहीं थी, इसीलिए उन्हें आरपीएफ सर्विस दे दी गई। ऐसे में पूनम अपना रैंक सुधारना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने दूसरा प्रयास किया। इस बार भी पूनम ने परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं थी, इसीलिए उन्हें आईपीआरएस सर्विस दे दी गई। लेकिन पूनम हार मानने वालों में से नहीं थी। लेकिन ऐसे में 2011 में फिर से उन्होंने परीक्षा को दिया, जिसमें वो प्री परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। इसके बाद पूनम का यूपीएससी का सफर भी खत्म हो गया था। हालांकि इससे पहले वो हरियाणा सिविल सर्वे को पास कर डीएसपी के तौर पर भर्ती हो गई, लेकिन किस्मत पूनम के साथ थी। 2011 में यूपीएससी के पैटर्न में बदलाव हुआ, इसके कारण फेल हुए छात्रों को एक और मौका दिया गया। इसके बाद 2015 में पूनम ने अपना एक और प्रयास दिया और इस दौरान वो गर्भवती भी थी, लेकिन पूनम ने हार नहीं मानी और इस बार उनका चयन आईआरएस के तौर पर हो गया। इस कर्मठ और जुझारू महिला के बारे में आपकी क्या राय है, हम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।